तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, आज से करीब 2 दिन पहले ये जो चैनल है फुल्ली मेरे एक्सेस से बाहर हो गया था और इस चैनल को किसी ने मेरे से चुरा लिया था, किसी ने मेरे चैनल को हैक कर लिया था। फुल मेरे एक्सेस से ये चैनल बाहर हो गया था। तो दोस्तों किस तरीके से मैंने इस चैनल को रिकवर किया, किस तरीके से मैंने अपने चैनल को रिकवर किया, हैक कैसे हुआ था, क्या सेटिंग मैंने की थी जिससे ये चैनल रिटर्न हो गया। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि दोस्तों जब भी चैनल किसी का भी हैक होता है उसके बाद उस चैनल की रीच डाउन होती होती है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ चैनल में ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे चैनल का रीच डाउन होता है। क्योंकि दोस्तों तो वो लोग बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे जो चैनल की रीच डाउन हो जाती है। उन्होंने मेरे चैनल के कम से कम 3-4 वीडियो एक तो डिलीट कर दिए। अब वो वीडियो डिलीट करने की वजह से दोस्तों ये बैड इफेक्ट पड़ेगा, मेरे चैनल का रीच और ज़्यादा डाउन हो गया, ठीक है। तो और दोस्तों जो ज़्यादातर हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चैनल्स पे लाइव स्ट्रीम करते हैं बहुत ही लंबी लंबी, जिनका चैनल मोनेटाइज होता है उससे अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे चैनल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने सिर्फ 2-3 वीडियो डिलीट करी है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों रिच तो डाउन हुआ है ना, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा चैनल किस तरीके से उन्होंने हैक किया था, किस तरीके से मैंने उसको रिकवर किया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, मैं अपने चैनल पे अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिसेक्टिव था, इसी का उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। और मैं चेक करता नहीं था ना कभी ईमेल ना कुछ भी, लेकिन हालांकि दोस्तों ऐसा हुआ भी कुछ नहीं था, ना मेरे को कोई ईमेल आया, ना कोई स्टेप 2 टूटा और मेरा चैनल मेरे एक्सेस से बाहर चले गया। यानी कि दोस्तों मेरे पास कोई भी ना कोई नोटिफिकेशन आता है ना कुछ भी आता है और मेरा चैनल मेरे एक्सेस से बाहर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे में मैंने अपना ईमेल जो कहीं भी शेयर नहीं कर रखा, एक जगह कॉपी में लिख करके रख रखा है जो सिर्फ मुझे पता है। इसके अलावा मैंने एक जगह और शेयर कर रखा है, मतलब कि ऑनलाइन ही शेयर कर रखा है, जैसे कि वो कॉपी मेरे से गुम जाती है तो मैं वहाँ से ईमेल देख सकूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वहाँ से उसको ईमेल मिला होगा और कोई ऐसा बंदा होगा जो मुझे बहुत ही करीब से जानता होगा, तभी उसको वो ईमेल मिला है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मेरी काफ़ी सारी प्राइवेसी है, मतलब काफ़ी सारी मेरी चीज़ें हैं जो मतलब मेरे बहुत ही करीब है, ठीक है। अब वही चीज़ें मेरा जो पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, तो उसको पता ज़रूर होगा कि मेरी ये चीज़ मतलब मेरे लाइफ में ये चीज़ें हैं, उसको उसने उसने वो चीज़ डाल करके मेरे पासवर्ड को करके एक्सेस मेरे चैनल को कर लिया होगा। मतलब कि जो भी बंदा जिसने भी मेरे चैनल को लिया था वो बहुत ही अच्छे से मेरे को जानता है, जिसने भी मेरे चैनल को एक्सेस किया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने उस चैनल को रिकवर कैसे किया। दोस्तों देखो, कितना भी मेरे चैनल को एक्सेस कर ले, लेकिन जो इसका जो मोबाइल नंबर, जो मेरे ईमेल में मोबाइल नंबर रिकवरी मोबाइल नंबर, वो मेरा ही था, ठीक है, और रिकवरी ईमेल भी मेरा ही था। तो दोस्तों इसमें क्या था कि उसने ना रिकवरी ईमेल तो मेरा चेंज कर दिया था, बट दोस्तों उसने ना मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया था। और मोबाइल नंबर कम से कम ना किसी भी ईमेल किसी भी चैनल का अगर आप चेंज करते हो तो एक आध दो बार में होता ही नहीं है। मैंने भी करके देखा है, एक चैनल का, मेरा जो एक चैनल है उसमें किसी और का मोबाइल नंबर लॉगिन था, क्योंकि दोस्तों एक मोबाइल नंबर से ज़्यादातर नहीं होते चैनल, ठीक है। तो मैंने ना उसका मोबाइल नंबर हटा के अपना मोबाइल नंबर डालने की कोशिश की, तो एक या दो बार में नहीं हुआ था, 3-4 बार करने के बाद हुआ था। तो उसने सिर्फ एक ही बार करके छोड़ दिया होगा, इसी वजह से मेरा मोबाइल नंबर उसने हटाया तो होगा लेकिन हटा नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज़ का मेरे को फ़ायदा मिल गया, मैंने अपने मोबाइल नंबर से ही अपना चैनल रिकवर कर लिया। मतलब कि दोस्तों जो मेरा मोबाइल नंबर था उससे ही रिकवर करने का मेरे को ऑप्शन आया और वहीं से मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपने ईमेल को एक्सेस कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों मैंने जो भी चीज़ें थी उसके सब कुछ हटा दिए और अपने जो चैनल है उसको फुल सिक्योर करके अपने एक्सेस में ले लिया। अब दोस्तों मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि आप जो चैनल की पूरी सिक्योरिटी रखो, जितने भी इसमें सिक्योरिटीज के ऑप्शंस आते हैं सबको इनेबल करके रखो, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी चीज़ से अगर आपका चैनल आपके एक्सेस से बाहर जाता है तो आप उसको रिकवर कर सको। यही सब था जो मेरे साथ हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो दोस्तों। और दोस्तों अभी के टाइम पे ना ये हैकिंग फैकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप लोग सेफ रहो, अपने चैनल को भी सेफ रखो। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करो और किसी दूसरे के चैनल पे यार इस तरीके से नज़र ना गड़ाओ कि आपका भी बुरा हो और साथ ही साथ उस बंदे जो इतना मेहनत कर रहा है उसका भी बुरा हो। तो टेक केयर, बाय बाय सभी को, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।